वह जुगारी मूलचन जो जुगान में पैसे हार गया, जो जुगार की वजह से घर से उसको भगा दिया गया, और एक जोगी धर्मसूरी महाराजा जिनको आज 102 साल के बाद मैं और आप याद कर रहे हैं, और मात्र मैं और आप याद कर रहे हैं ऐसा नहीं, पूरे जीन शासन के अनेक महान जैनाचारी याद करते हैं। एक वो जोगी धर्मसूरी महाराजा जिनको काशी नरेश ने आचार्य पद प्रदान किया, एक वह जोगी धर्मसूरी महाराजा जिनके पास अनेक विदेशी विद्वान आकर के अभ्यास करते थे, एक वह जोगी धर्मसूरी महाराजा जिन्होंने अनेक लोगों को जैन बनाया, एक वह जोगी धर्मसूरी महाराजा जिन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में कलकत्ता जाकर जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे तो जितनी बातें करे उतनी कम है, लेकिन जुगारी से जोगी बनने में जो सेतु था, जो पुल था, जो ब्रिज था, वह गुरुदेव वृद्धि चंद्र जी महाराजा थे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज गुरुदेव की 102वीं पुण्यतिथि है, लेकिन जीवन अभी जो हमारा है और हमें जो बनाना है, ये दोनों के बीच में ब्रिज का काम, सेतु का काम, पुल का काम कौन करते हैं? तो कि हमारे गुरु करते हैं। और गुरु के आशीष ऐसे मिले, गुरु के आशीष ऐसे फले कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जैन धर्म का डंका बजाया। और मैं तो कहता हूं कई बार कई गुरु भगवंत ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जैन धर्म की प्रभावना करी, शासन की प्रभावना करी, लेकिन ये धर्मसूरी महाराजा ऐसे थे जिन्होंने मात्र भारत में नहीं अभी तो पूरे विश्व में जिन शासन की प्रभावना करी, अभी तो पूरे विश्व में जिन शासन को फैलाया। और ऐसे धर्मसूरीश्वर जी महाराज आके जब 102वीं पुण्यतिथि है तो आओ उनको नमन करें, वंदन करें, प्रणाम करें। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।